जमुई जिले के चरैया डैम कई वर्षों से अपनी बदहाल अवस्था पर आंसू बहा रहा है। यह वही डैम है जिसका निर्माण 1972 ईस्वी में किया गया था। उस वक्त एक दर्जन गांव के किसान की खेती की प्यास चरैया डैम में बुझती थी, लेकिन आज वही डैम 1999 से पूरी तरह से ध्वस्त पड़ा हुआ है। मामले में रविवार की शाम ग्रामीणों ने चरैया डैम के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और सांसद, मंत्री, विधायक व नेता के खिलाफ आक्रोश जताया। साथ ही साथ सांसद और मंत्री के खिलाफ जमकर वन नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने बताया कि 1999 के बाद से अब तक करीब 24 वर्ष हो चुके हैं और 24 वर्षों से यह चरैया डैम ध्वस्त पड़ा हुआ है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। कई बार सांसद, मंत्री, विधायक से लेकर पदाधिकारियों को आवेदन दिया गया है, लेकिन अब तक इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आवेदन देकर सभी ग्रामीण थक चुके हैं। डैम का जीर्णोद्धार नहीं होने की वजह से करीब 2000 एकड़ से अधिक जमीन पर खेती नहीं हो पा रही है। यह डैम करीब 350 एकड़ में फैला हुआ है। बताते चले कि 24 वर्षों से कई सांसद, कई मंत्री, कई विधायक व कई पदाधिकारी बदल चुके हैं, लेकिन यह डैम ज्यों का त्यों बदहाल अवस्था में पड़ी हुई है। इसलिए ग्रामीणों ने यह निर्णय लिया है कि इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे और किसी भी नेता, मंत्री को गांव प्रवेश करने नहीं देंगे। आगे ग्रामीणों ने बताया कि इसको लेकर सोमवार को जिलाधिकारी को भी आवेदन देकर डैम की स्थिति से अवगत कराया जाएगा। हालांकि ग्रामीणों ने सांसद और मंत्री पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। निधि सिंह के साथ जमुई से अंजुम आलम की खास रिपोर्ट। मैं जो आपका जो विधानसभा है, यहाँ से कितने मंत्री बन गए, बने हैं, विधायक बने हैं, सब तो बदल है, लेकिन नहीं बदली तो बस इस डैम की सूरत क्या करना चाहिए? सब बदला गया सर, इसी डैम नहीं बदला, अभी डैम जैसे तैसे पड़े हैं। हम लोग प्यासल मर रहे हैं, पानी भी नहीं और सरकार देखने वाला भी नहीं है। आता है रोड में चला जाता है और कुछ नहीं बोलने चाल कुछ इस नहीं करते। और हम क्या वोट के समय में तो आते वोट तो अब समय में आपस देखिएगा ना, सबके दरवाजा पर पहुंचेगा बाबू बाबू और वोट ले लेगा, चुपचाप कार में तेल ले सुत रहेगा। हम लोग यहाँ मरते रहेंगे, डैम जाएंगे, जंगल जाएंगे, कहेगा भूत आएगा, जा खाएगा, तो हम लोग डरेंगे थोड़ी जंगल में? हम तो कमाने खाने वाले हैं। आप लोग की जमीन बंजर होगी? हाँ, जमीन में खोबे न करता, पैदा क्या करे, सरकार जो दे रहा है वही खा रहे हैं, तनी मनी बच रहे हैं कोई तरह से। तो अभी क्या निर्णय लिए हैं, क्या करिएगा? वोट नहीं देंगे सर, हम लोग एकदम नहीं दीजिएगा, नहीं देंगे वोट जब तक डैम नहीं बनेगा तब तक। क्या नाम है आपका? होरिल ठाकुर। गांव का है, कौन घर? चरैया। 10 गांव का गांव तक पानी जाता है, तो अभी हम लोग पूरा गांव को एकत्रित करके हम लोग पूरे के पूरे सब बहिष्कार करेंगे वोट का। अभी ये खाली एक गाँव का ही यहाँ पे जमा हुआ है, बाकी हम लोग 10 गाँव का पूरा मिल करके करेंगे। तो कहने की मैसेज देने का प्रयास हो रहा है कि अगर काम नहीं करेंगे तो काम नहीं करेंगे तो वोट नहीं देंगे। अच्छा, क्या जीतने के बाद कोई प्रतिनिधि आज तक नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया, सब इधर से है। हम लोग का जो रोड गया है वो रोड भी तो वैसे ही रोड पे जाते हैं, उधर जाते हैं, यहाँ पे आज तक एक भी प्रतिनिधि कोई उपस्थित नहीं हुए। यहाँ से सांसद है चिराग पासवान और मंत्री नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई 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 भी नहीं आया यहाँ पे, देखने तक नहीं आता कि क्या क्या कितना तक है, क्या है, कितना टूटा हुआ, कुछ भी नहीं आया आज तक, किसी भी प्रतिनिधि यहाँ पे आया ही नहीं है। आप लोगों के द्वारा आप कभी आगाह किया गया है प्रतिनिधि को? हाँ, जैसे कि आप पहले सुन चुके हैं सब, हम लोग का चाचा लोग जो बताए आप लोग को, यहाँ पे हर जगह पे पत्र लिखा गया है, लेकिन वही बोला जाता है कि ठीक है हम देखते हैं, बट कुछ होता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हुआ आज तक। क्या नाम हुआ? मेरा कमलेश कुमार। क्या मांग है आप लोगों का, क्या निर्णय लिए हैं आप लोग? हम लोग एक छोटा सा गरीब किसान है और हम लोग का जीवन यापन खेती पर ही निर्भर है, और खेती करने के लिए जल का बहुत जरूरी पड़ जाता है, और सिंचाई करने का एक ही साधन है यह डैम, जो कि 1975-76 के लगभग बना था और 1999 में टूट गया, और 1999 से यह टूटा हुआ है। इसको कह करके हम लोग कई बार मंत्री जी को, विधायक को, सांसद महोदय को दिए एप्लीकेशन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। 24 साल का लंबा समय गुजर गया है, कई नेता मंत्री बदला गए, कई पदाधिकारी बदला गए, क्या अभी तक ये बदल नहीं पाया है? क्या नहीं बदल पाया है? और बार बार हम लोग आवाज उठा रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या निर्णय क्या लिए हम लोग? लास्ट निर्णय लिए हैं कि अगर डैम का काम अगर नहीं होता है तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। ये जो डैम है इसका क्या क्षेत्रफल है, कितने फैला हुआ है ये डैम? करीब 250 एकड़ में।
फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल 250 एकड़ में फैला हुआ है। अगर ये डैम निर्माण होता है, डैम बन जाता है, तो कितने किसानों को यहाँ फायदा होगा, कितने खेत को पानी मिलेगा यहाँ से? करीब करीब तो 5-6 को गांव जो है इसके लाभान्वित होगा, और 2000 से ऊपर का किसान जो है इससे फायदा होगा। और जमीन तो हम लोग का जो है जितना भी है उपजाऊ जमीन है, पानी नहीं के रहने के चलते हम लोग का बंजर हो गया है। क्या नाम है आपका? उमेश राम। किसान है आप? जी हाँ। विरोध हो रहा है इसलिए कि बहुत सारे यहाँ जनता जितने भी हैं, और जो डैम है, ये डैम बहुत प्रसिद्ध डैम था, और 1975 से बना हुआ डैम 1999 में टूट के क्षतिग्रस्त हो गया, और आज तक यहाँ पर कोई भी नेता, विधायक, सांसद को भी देखने के लिए नहीं आया, और जितना भी दरखास्त वगैरह लिखा गया उसका भी उन लोगों को कोई मायने नहीं रखा आज तक, उसका कोई देखने तक और ना उसका मायने रखा और ना उसका कोई आश्वासन नहीं दिया आज तक। इसीलिए जितना भी हमारे किसान भाई हैं, और यहाँ पर छुछनरिया पंचायत का ये चरैया गांव है, जो चरैया गांव से लेकर के कम से 2000 से अधिक किसान इसमें आश्रित हैं, और अभी एक साल से दो साल से धान की खेती नहीं हुई, धान की खेती भी के अलावा अनेक तरह की खेती जो होती है आज तक नहीं हो पा रही, जो बहुत समस्या गड़बड़ है किसानों में और आक्रोशित है। इसीलिए आज इस चरैया डैम के पिंड में हम लोग खड़े हैं, ताकि आने वाले चुनाव 24 और 25 को आगाह कर रहा है जनता सारी कि अगर डैम नहीं तो वोट नहीं। तो क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि की भी बातें नहीं सुनी जाती है? बहुत बार बोला गया है, बहुत बार कहा गया है, हाँ, और बहुत बार कहने से और बोलने से नहीं सुना तो हम लोग बहुत आक्रोशित हैं, और हम लोग साथ, अब हम लोग देखिए इतना जितना भी हम किसान हैं अभी यहाँ पे एकत्रित हैं, इसी कारण से हम लोग एकत्रित हैं।